पुराने शहर की आवाम के लिए खुशखबरी, वट्टेपल्ली मेन रोड पर एक नए शोरूम का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। जी हाँ, स्मार्ट जोन शॉपिंग सेंटर एक्सक्लूसिव शोरूम, जहाँ पर लेडीज जेंट्स एक्सेसरीज, नित नए रंग बिरंगी इमिटेशन ज्वेलरी का खजाना, एक मुकम्मल फैमिली फुटवेयर शोरूम, हम आसाम के कॉस्मेटिक आइटम्स और एक्सक्लूसिव लेडीज हाउजरी, लेदर गुड्स के अलावा किड्स गार्मेंट्स में न्यू बॉर्न बेबीज का फुल रेंज दस्तियाब है। एक ही छत तले एक मुकम्मल शोरूम, स्मार्ट जोन शॉपिंग सेंटर एक्सक्लूसिव शोरूम, वट्टेपल्ली मेन रोड हैदराबाद। फोन 2446910। आप लोग सब देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ के हालात कैसे है, ये जो गरीब लोग, मजदूर लोग, बेवा लोग यहाँ पे जो है, जो माँ बाप को छोड़ के चले गए, वो लोग बहुत परेशान है, ज़हीफ है, बूढ़े हैं, परेशान है, जिसको आँखों को नजर नहीं आता, और ये लोग बहुत मजबूर लोग है, हाथों पर काम नहीं करते लोग के, इतना भी मजबूर लोग यहाँ पे है। और यहाँ के जो MLA साहब है, उनका भी काम है कि उनकी एरिया है, ये एरिया में पंकज और साहब भी आके देखे और इन लोग की मदद करे। लोग को खाने के लिए नहीं है, बाथरूम नहीं है सही, फैन नहीं है, रहने के वास्ते बिस्तर सही नहीं है, इसके वास्ते मदद करे। आज प्रेजेंट हुकूमत में है प्रकाश गोड़ भी, प्रकाश गोड़ का काम है कि उन्हें मदद करें यहाँ पे आके, और तमाम नौजवानों का भी काम है कि ये मदद करे, गरीबों की मदद करे, मजबूर लोगों की मदद करे। इनका पूछने वाला कोई नहीं है, इनको खाने के लिए नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, और बाथरूम जाने के लिए सही नहीं है, और रहने के वास्ते यहाँ पे देखिए आप इतनी गर्मी है, ये लोग कैसा रह रहे हैं, बहुत ज़हीफ लोग है, मजबूर लोग है, नाबीना लोग है। एरिया का नाम क्या है? मदद के लिए आरमगढ़ है, आरमगढ़ है। इसके वास्ते ये निज़ाम बनाए सो है, और निज़ाम का इसके वास्ते इंतजाम नहीं है निज़ाम का। अब आज की जो प्रेजेंट हुकूमत है, वो हुकूमत का काम है कि ये लोग को देखे और ये लोग की मदद करे, और यहाँ का जो प्रेजेंट MLA है, उनका काम है कि यहाँ के लोगों को देखे, आके देख के इनकी मदद करे। अगर वो नहीं कर सकते तो दूसरों को बोले कम से कम मदद करने के वास्ते, ये मदद हो जाती है। लोग देखो मजबूर लोग है पूरे, यहाँ से लेके वहाँ तक का इसके खाने के इंतजाम नहीं है, पानी पीने का इंतजाम नहीं है, और बाथरूम के लिए परेशानी है, कपड़े पहनने के लिए परेशानी है, बिस्तर नहीं है उनके पास। ये सब चीज़ की मदद करे, इसमें हमारे दोस्त भी मदद करे हैं, लोग भी। नमस्ते मैम, अंटे अंत गोपतन देवे सो अंदर चूँ चा मंदिर भयपड़ता है, अभी का चूँगी इक अनाथाश्रम यानी ओल्डेज होम यानी अंटे सेव सो अटने इकडे लेडीस की लेडीस जेन्स चाला प्रॉब्लम वाटर प्रॉब्लम इला बदल उत्कल का चाला रोजल एंटे वाटर लेवन को मटल वस्तु को कंक आईना अलर्जी अना रोज की गुरी चेसे का प्रति ने इकड़ते इनफॉर्म अना इध प्रॉब्लम MLA एंपील का అన్నకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చేయండి, అన్న వచ్చి మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాడు. ఏ ఆశ్రమమైనా సరే, ఏదైనా సరే, ఓల్డేజ్ అయినా సరే, ఏదో తన ఫీజు అయినా కానీ, ఏదైనా సరే స్టడీ పర్పస్ కానీ, ఏదైనా సరే అన్న ముందుంటాడు. అన్నని చూసి భయపడకండి, ప్రతి ఒక్కరు ముందు రాండి, అందరం కలిసి. మేము సికింద్రాబాద్ నుంచి వచ్చినాం, సికింద్రాబాద్ అంటే సికింద్రాబాద్ మొత్తం సికింద్రాబాద్ కాన్సెన్స్ మొత్తం ఎంత అయితే ఉందో కంట్రోల్మెంట్ కానీ ఎక్కడి నుంచి అన్ని ఊర్లలోకి వచ్చినాం. ये होटल कितने ये लोग हमारे पास सिकंदराबाद से आए, हमारे साथ मिले, मेरे फर हॉस्पिटल का काम देख के और उस्मानिया दवाखाने का काम देख के, जो हम लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं, मजदूरों की जो दवाओं की ऐसे परेशानी थी सबकी मदद कर रहे हैं, वो देख के सिकंदराबाद से आप लोग आए हुए हैं। इनके साथ भी दो सहबा बहुत है, इनके कंडोवट से आए हुए हैं, सिकंदराबाद से आए हुए, बैरडक से आए हुए लोग जगह से आके मेरे को इन्फॉर्मेशन दिए कि आरमगढ़ में भी बहुत तकलीफ है खाने के लिए, पानी के लिए, इस वजह से मैं आया यहाँ पे मदद करने के वास्ते। और हम सब नौजवानों की ख्वाहिश है और सब नौजवान मिलके ये काम करें, जो मजबूर परेशान है उनकी मदद करें, हम सबका काम है, एक के ऊपर फर्ज नहीं है, हर के ऊपर फर्ज है मदद करना। आजकल नौजवान बच्चे जो शादियां करके अपने अम्मा बाबा को छोड़ दे रहे हैं, उसके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं नौजवान बच्चों को? ये तो कहना चाहता हूँ, जो भी माँ बाप को अपने छोड़ा वो बहुत परेशान होगा आने वाले जमाने में, उसको भी उसके माँ बाप उसके भी औलाद छोड़ के चले जाएंगे। अपने माँ बाप के लिए खिदमत करे और माँ बाप की इज्जत करे, जो माँ बाप की इज्जत करता है वो दुनिया में और आखिरत में कामयाब होता, जो दुनिया में नहीं है, जो दुनिया में माँ बाप को छोड़ देता वो आखिरत में भी उसको अल्लाह ताला छोड़ देता या उसके पर अजाब नाजिल होता। और अपने माँ बाप की इज्जत करे, भाई बहन की, बड़े भाई बहन की इज्जत करे और पड़ोसियों की इज्जत करे, पड़ोसियों को तकलीफ ना दे, तो पड़ोसियों से मिल के रहे, उनको तकलीफ ना होना। एक आपको देखा गया कि हर वक्त आप एक नया वेरिएशन लेकर आ रहे हैं, कभी आपकी सोच उस्मानिया दवाखाने को जा रही, कभी आपकी सोच जो है ओल्ड एज होम जा रही, तो ऐसे आपके मैनिफेस्टो में प्रोग्राम में और क्या क्या चीजें शामिल है? और बहुत सारे चीज है, बच्चों के स्कूल के वास्ते भी कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के बुक्स, जो गरीब लोग है, यतीम बच्चे है, जो मजबूर लोग हैं, उनके वास्ते हम बुक्स का भी इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो किताबों का और स्कूलों का से भी एडमिशनों का भी इंतजाम करेंगे, उनके फीस देने के वास्ते हम लोग सब मिल के मदद करेंगे इंशाल्लाह। और आप इसमें आप लोग भी हिस्सा रहिए, मीडिया का भी बहुत बहुत हिस्सा है, मीडिया भी मदद करे इसमें, ताकि जो मजबूर है उनको हक मिल सके। आप लोग बहुत मदद करें और शुक्रिया आपका बहुत बहुत, जो भी हमारे साथ मिले हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
मेरी उम्र होने के बाद ये लोग भी सबकी मदद कर सके, ऐसी यतीमों मजबूरों ऐसे मजबूर लोगों की मदद कर सके, इस वास्ते मेरे बच्चों को इस तरह से बतला रहा हूँ ताकि ये लोग के भी दिल में उन लोग के लिए मोहब्बत आए और ये लोग भी सबके लिए काम करने वाले बने। अच्छा तो यहाँ इससे हम ये समझे कि आप पहले अपने घर से ही शुरुआत कर रहे हैं, पहले आप अपने नौनिहाल अपने बच्चों को ये तरगीब देते हुए पूरे माशरे को भी ये मैसेज देना चाह रहे हैं। जी 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 बेशक बेशक, इसके से ये सब मेरे बच्चे भी अगर करेंगे तो सामने देखने वाले लोग भी करेंगे इसके से मदद, गरीबों की मजबूरों की, इस वास्ते मैं कर रहा हूँ। ये मजबूर लोग हैं यहाँ पे, आप लोग भी आए हैं आरमगढ़ को, आके देखिए, देख के उनकी मदद करिए और जो चीज़ की ज़रूरत है, जो चीज़ की तकलीफ है, तकलीफ को दूर करिए आप लोग। और अगर आपके इसके कोई प्रोग्राम वगैरह कुछ रहेंगे इंशाल्लाह तो आप इसको जरूर 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 बोलेंगे, जरूर बोलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो जरूर बोलेंगे। ये हमारे भाई भी आए हैं, आइए करना है। मेरा नाम अमरनाथ रेड्डी है, ये आरमगढ़ ओल्ड एज होम्स में हमारे आयुब भाई आज जो एक ये नेक काम करे ना, ये बहुत तारीफ करने की बात है। और ये भाई को देख के दूसरे पूरे सब जने ये सीखना है कि ओल्ड एज होम में जितने परेशानी हो रहे ना, उनको भाई आज सबको एक हिम्मत दिए सो है और उनको नीचे से कभी भी मैं हूँ बोल के एक भरोसा दिए सो है। हम सब मिलके एक साथ काम करने का है। ऊपर वाले को ये मैं मन्नत करता हूँ कि ये ओल्ड एज होम्स रहना ही नहीं, सब बेटे अम्मा बाबा सब इनको घरों में रख लेके अच्छा देखना है, ओल्ड एज होम्स रहने का जरूरत नहीं है बोल के ऐसा ये बताना है अपन ये शहर में अपन। और उस्माने दवाखाने में भी मदद कर रहे हैं अयुब भाई हमारे, और नीलोफर दवाखाने में भी भाई गए जाके पूरा मदद करे सो। आपको अयुब भाई से मिलकर आप कैसा लग रहा है, आप क्या सोचे थे अयुब भाई के बारे में और आपको यहाँ क्या देखने में मिला है? ये बात मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं अयुब भाई के बारे में थोड़े लोग वो ये बात बोलते होंगे है वो रोड़ी है, वो ये गलत बात है, ये रोड़ी ये बेकार बात है, रोड़ी बोलने का बेकार बात है। उनमें इतना हेल्पिंग नेचर है, मैं आज बोल के नहीं, मैं कई सालों से सुन रहा हूँ, मैं आज मेरे आंखों से देखा हूँ मैं ये। और मेरे को भाई से मिलके बहुत खुशी हुआ मेरे को, और भाई के साथ आज पूरा दिन भाई के साथ में मैं रह रहा हूँ, ये ओल्ड एज होम में उधर उधर भाई के साथ में फिर रहा हूँ मैं, और हमेशा के लिए हम भाई को सपोर्ट करते रहेंगे हम। आपका नाम? अमरनाथ रेड्डी है मेरा नाम। कहाँ पर रहते हैं आप लोग? हम बालापुर के। ये सब हम लोग सब मिलके अमरनाथ अन्ना है और दूसरे भाई है आए हुए है सिकंदराबाद से, सब सूरी और लोग आए हुए है, सूरी के दोस्त है, अमरनाथ अन्ना के दोस्त है, सब मिलके हम लोग मदद कर रहे हैं और आगे भी ऐसी करेंगे इंशाल्लाह। जहाँ पे भी मजबूर है परेशान है वहाँ पे जाके जरूर मदद करेंगे हम लोग, आप लोग भी देख के आप लोग भी मदद करेंगे। अयुब भाई इतनी बड़ी कामयाबी हो गई आज शहर के कोने कोने से, अब ये कोई मजाक की बात नहीं है कि कोई सिकंदराबाद से आ रहा है, कोई बालापुर से आ रहा है, कोई बौलाली से आ रहा है, कोई बोनपल्ली से आ रहा है, तो ये कोई मारटपल्ली से, ये आपको इतनी बड़ी जो आप कामयाबी हुई हासिल हुई इसके बारे में आप क्या रोशनी डालेंगे? मैं ये रोशनी डाल रहा हूँ, ये जो गरीब मजबूर लोग हैं उनकी दुआओं का असर है, जो हर आदमी इसके वास्ते मदद करने के असर सामने आ रहा है। आज मैं हूँ, कल मेरे बच्चे करेंगे इंशाल्लाह, हम सब छोटे बड़े हर मिलके इस काम में जो मजबूर लोग हैं उनकी मदद करेंगे, और आप लोग भी हमारे साथ मिलिए और मदद करिए, जो भी मिलना चाहता है बाकी मिल सकते हैं, मिलके जो आपसे हो सकता है वो मदद करिए और मैं भी मदद करूँगा इंशाल्लाह। और हर परेशान कोई भी परेशान है तो उनकी भी मदद करूँगा मैं दूसरी किसी से डरने वाला नहीं हूँ, जो परेशानी है उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ हमेशा, और मैं मजबूर लोगों की मदद करूँगा, जो परेशान है उनकी भी मदद करूँगा। यानी कि ये समझिए कि आप आवाम के दरमियान थे और है इंशाल्लाह, आगे भी हयात आपकी रहेंगे इंशाल्लाह। आवाम को कुछ नंबर देना चाहेंगे आपका? आवाम को ये बोलना चाहूँगा मैं कि आवाम सपोर्ट करे, सब मजबूरों की सबकी मदद करे।
पुराने शहर के आवाम के लिए खुशखबरी, वट्टेपल्ली मेन रोड पर एक नए शोरूम का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। जी हाँ, स्मार्ट जोन शॉपिंग सेंटर एक्सक्लूसिव शोरूम, जहाँ पर लेडीज जेंट्स एक्सेसरीज, नित नए रंग बिरंगी इमिटेशन ज्वेलरी का खजाना, एक मुकम्मल फैमिली फुटवेयर शोरूम, हम आसाम के कॉस्मेटिक आइटम्स और एक्सक्लूसिव लेडीज हाउजरी, लेदर गुड्स के अलावा किड्स गार्मेंट्स में न्यू बॉर्न बेबीज का फुल रेंज दस्तियाब है। एक ही छत तले एक मुकम्मल शोरूम, स्मार्ट जोन शॉपिंग सेंटर एक्सक्लूसिव शोरूम, वट्टेपल्ली मेन रोड, हैदराबाद। फोन 2446910।